Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Hope so you all are doing well. In this general agriculture series, we will discuss the 50 most expected multiple choice questions related to rice paddy. Rice is a major cereal crop in India. This video is very much helpful for you if you are preparing for exams like IBPS, AFO, ICAR, JRF, ADO, IFCO, AAO, NSCL, BSc or MSc. In these types of exams, this particular topic or this particular video is very much helpful. Before starting the video, don't forget to give a like. So guys, be ready with your copy and pen, and I want that you also try to give the answer of the questions. Means main to answer karungi question ka, but agar aapko bhi question ka answer aata hai to aap bhi comment karke uska answer bata sakte hain. So let's get start the video. So let's begin with question number 1. That is, the scientific name of rice is. Rice ka scientific name kya hai? Options hai, option A, Oryza sativa, option B, Oryza glabrima, option C, both A and B, and last option is none of these. So try to give the right answer of the question. Comment kariye ki kya answer ho sakta hai is question ka. Rice ka scientific name pucha hai. And here the right answer is option C, that is both A and B. ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है मार्क कर लीजिए, बोथ ए एंड बी, यानी जो राइस का साइंटिफिक नेम होता है वो ओराइजा सटाइवा भी होता है और ओराइजा ग्लैबरीमा भी होता है. इसके बारे में हम एक छोटा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ देखिए, ओराइजा सटाइवा जो होता है, ओराइजा जो जीनस है, इट हैज़ 24 स्पीशीज. उसके अंदर टोटल स्पीशीज जो हैं 24 स्पीशीज आती हैं, आउट ऑफ विच टू आर कल्टिवेटेड. दो कल्टिवेटेड हैं, दो कौन कौन सी हैं? एक है ओराइजा सटाइवा और एक है ओराइजा ग्लैबरीमा. ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट स्पीशीज हैं राइस की, याद रखना है. टोटल 24 स्पीशीज़ हैं जिसमें से दो कल्टीवेट होती हैं. ओराइजा सटाइवा, इट इज़ आल्सो नोन एज एशियन राइस, इसको एशियन राइस कहा गया है. ओराइजा ग्लैबरीमा जो होता है, इट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका. इसके बाद ये 24 जो है, 24 क्योंकि ओराइजा की जो टोटल स्पीशीज़ हैं वो 24 हैं. साथ में 24 से एक चीज़ और याद रखना, इसका क्रोमोजोम भी 24 होता है. राइस का जो क्रोमोजोम है, दैट इज़ 2X जो होता है, 2N इज इक्वल्स टू डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो होता है, इसका 24 होता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं राइस के बारे में जो आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइस बिलोंगिंग टू विच फैमिली. ऑप्शंस आर ग्रामिनी, पोएसी, ग्रास फैमिली, ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर फटाफट बताओ करके कमेंट में कि क्या होगा. राइस की फैमिली पूछी गई है और यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर है, होप सो आप सब ने करेक्ट आंसर कमेंट करा होगा. और यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. यानी जो राइस की जो फैमिली है, ग्रामिनी भी है, और ग्रामिनी का दूसरा नाम है पोएसी, और इसी को हम ग्रास फैमिली ही बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा होगा, दैट इज़ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. अच्छे से ध्यान रखना है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है. ठीक है, राइस की फैमिली है, इसके बहुत सारे नाम है राइस की फैमिली के, दैट इज़ वाई यहाँ पे जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है. यानी ग्रामिनी, पोएसी, ग्रास फैमिली, दे ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ओरिजिन प्लेस ऑफ राइस. राइस का ओरिजिन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए, साउथ ईस्ट एशिया, बी यूएसए, सी इंडो बर्मा, डी ए एंड सी बोथ. कहाँ हुआ है राइस का ओरिजिन? हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ. यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं. देखो, राइस का जो ओरिजिन हुआ है वो साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है, और साउथ ईस्ट एशिया का ही नाम जो है इंडो बर्मा है. अगर आपने मैप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया वाली जो साइड है वहाँ पे इंडो बर्मा यानी होता है म्यांमार. तो इंडो म्यांमार या इंडो बर्मा जो रीजन है वो साउथ ईस्ट एशिया का ही पार्ट है. तो राइस का जो ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशिया या फिर इंडो बर्मा में हुआ है. यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, लाइक अदर क्रॉप्स ओरिजिनेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया. तो साउथ ईस्ट एशिया में एक तो हमारा राइस हो गया, ठीक है, एक तो हो गया हमारा राइस. पर राइस के अलावा कुछ और भी क्रॉप्स हैं जो साउथ ईस्ट एशिया की हैं अदर देन सीरियल्स. वो हैं हमारा मैंगो, ठीक है, मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है, वो साउथ ईस्ट एशिया का है. रिमेंबर दिस, मैंगो, मैंगोस्टीन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं ये. बनाना हो गया, टामरिक, जिंजर, हल्दी और जो अदरक है वो भी है, कोकोनट यानी नारियल, ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साउथ ईस्ट एशिया के ओरिजिनेटेड क्रॉप्स हैं. तो रिमेंबर दिस, राइस को याद रखना है और बाकी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं इनको भी याद रखना है कि इनका ओरिजिन भी साउथ ईस्ट एशिया में ही हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सोइंग टाइम ऑफ ऑस राइस.
इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स के राइस होते हैं, तीन डिफरेंट टाइप के राइस होते हैं जिनकी सोइंग और हार्वेस्टिंग टाइम डिफरेंट होता है। तो जो ऑस टाइप का राइस होता है, ऑस, उसकी सोइंग टाइम क्या है? ऑप्शन आर जुलाई, जून जुलाई, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अप्रैल मई। जो ऑस राइज होता है उसकी सोइंग टाइम होती है अप्रैल मई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सोइंग टाइम ऑफ अमन राइस इज, अमन राइस का सोइंग टाइम क्या होता है? ऑप्शंस आर जून जुलाई, मार्च अप्रैल, मई जून, दिसंबर टू जनवरी। अमन राइस का सोइंग टाइम बताना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज जून जुलाई। अमन राइस का सोइंग टाइम जो होता है जून जुलाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस, बोरो राइस का सोइंग टाइम क्या है? ऑप्शंस आर नवंबर, दिसंबर, दिसंबर जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त। तो बोरो राइस का सोइंग टाइम पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, बोरो राइस का जो सोइंग टाइम होता है वो होता है नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, जाड़ों के टाइम पे जो विंटर सीजन होता है नवंबर दिसंबर में, विंटर के टाइम हम बोरो राइस की सोइंग करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं। जो हमने अभी तक तीनों टाइप के राइस डिस्कस करे थे, हमने सबसे पहले डिस्कस करा ऑस राइस, फिर हमने डिस्कस करा अमन राइस, फिर हमने डिस्कस करा बोरो राइस के बारे में। अब इनके जो नाम है वो भी कुछ और होते हैं, इनके अदर नेम्स भी आपको याद होने चाहिए। जैसे ऑस राइस जो होता है, इनके जो दूसरे नेम्स होते हैं वो डिपेंड करता है इनकी हार्वेस्टिंग टाइम पे। ठीक है, ऑस राइस की सोइंग तो हम करते हैं अप्रैल मई में, लेकिन इसके हार्वेस्टिंग कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटम सीजन बोलते हैं। तो ऑस राइस का दूसरा नाम है ऑटम राइस, याद रखना है। ऑस राइस को ही ऑटम राइस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? रीज़न ये है कि उसकी हार्वेस्टिंग ऑटम सीजन में यानी सितंबर अक्टूबर में होती है। इस तरह के जो राइस होता है ऑस राइस, ये हमारे इंडिया में इसका जो एरिया है वो बहुत कम है, इसका जो एरिया है वो बहुत कम है, दैट इज 7%। तो इंडिया में जो 7% एरिया है उसमें ऑस राइस का कल्टीवेशन होता है। सेकेंड कैटेगरी आती है अमन राइस की। अमन राइस को अग्नि राइस भी बोलते हैं और विंटर राइस बोलते हैं। विंटर राइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग विंटर में हो रही है, नवंबर दिसंबर जाके इसकी हार्वेस्टिंग होगी। सोइंग तो हम इसकी समर में करते हैं, मानसून टाइम जो होता है ना, जब बारिश आती है जून जुलाई, तब इसकी सोइंग कर देते हैं, और हार्वेस्टिंग इसकी नवंबर दिसंबर में करें, दैट इज़ वाई इसका नाम अमन राइस का होता है, विंटर राइस। और सबसे ज़्यादा अमन राइस ही हमारे इंडिया में कल्टीवेट करा जाता है, याद रखना। तीनों में से सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन एरिया जो है इंडिया में अमन राइस का, दैट इज़ 84%। फिर लास्ट जो थर्ड राइस है, दैट इज़ बोरो राइस। बोरो राइस को दलुआ राइस भी कहा गया है, स्प्रिंग राइस भी कहा गया है। स्प्रिंग राइस इसलिए बोला गया है कि हार्वेस्टिंग हो रही है स्प्रिंग में। ठीक है, मार्च अप्रैल जो सीज़न होता है हम उसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो जो बोरो राइस होता है, बोरो दलुआ, उसकी हम सोइंग तो जाड़ों में करते हैं नवंबर दिसंबर में, और उसकी हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में कर देते हैं, और उसका जो एरिया है पूरा इंडिया में, दैट इज़ 9%। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एरिया जो है अमन राइस का है। अमन राइस को बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इट मीन्स, और ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पैनिकल इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑफ विच क्रॉप। तो पैनिकल किसकी इन्फ्लोरेसेंस को कहा गया है? ऑप्शंस आर राइस, लैंटिल, उड़द, सोयाबीन। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हम राइस के एमसीक्यू डिस्कस करें तो ऑफकोर्स पैनिकल जो इन्फ्लोरेसेंस वो भी राइस की होगी, दैट इज़ यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनिकल कैसी होती है। तो इन्फ्लोरेसेंस होती है राइस की, ये पैनिकल कहलाती है। तो देख सकते हैं फिगर में कैसी होती है पैनिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेमा प्लस पेलिया टुगेदर कॉल्ड एज, लेमा पेलिया को मिला के क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर हल, हल लेमा, पेलिया हल, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए, हल। ओके, लेमा और पेलिया को मिला के क्या बनता है? हल बनता है। ठीक है, देख सकते हैं फिगर में, ये लेमा है और पेलिया है, आपको दिख रहा होगा। क्योंकि जो राइस का जो फ्रूट होता है, इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें, लेमा और पेलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको मिला के जो बनता है, दैट इज़ हल, जो छिलका होता है हल कहा जाता है उसको, एंड हल इज़ मेनली कंपोज ऑफ लेमा एंड पेलिया। क्वेश्चन 9, SRI फर्स्ट डेवलप्ड एट विच प्लेस। राइस अगर आप पढ़ रहे हैं तो राइस में आपको सबको पता होगा SRI मेथड होता है एक,
ठीक है, SRI के फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है तो आपको इतना पता ही होगा। तो आंसर करिए इसका कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। SRI फर्स्ट टाइम कहाँ डेवलप हुआ था, प्लेस बतानी है। ऑप्शन हैं चाइना, USA, मेडागास्कर, USSR। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। सो होप सो आपने राइट आंसर कमेंट करा होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ मेडागास्कर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है मेडागास्कर, जहाँ पे SRI सिस्टम जो है डेवलप्ड हुआ था। अब SRI सिस्टम है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। SRI का फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ओके, यहाँ पे आई होगा, करेक्ट कर लो। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन फुल फॉर्म हो गया। इसको डेवलप करा था 1983 में, ठीक है, 1983 बाय हेनरी डी लॉनी। तो हेनरी डी लॉनी ने इसको डेवलप करा था 1983 में मेडागास्कर में। इंडिया में फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था तमिलनाडु स्टेट में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में कहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, तमिलनाडु में। और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखना है कि सीडलिंग रेडी टू ट्रांसप्लांट इन 10 to 12 डेज आफ्टर सोइंग। तो राइस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पहले हम नर्सरी बनाते हैं, उसके बाद हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो SRI मेथड के अकॉर्डिंग जो सीडलिंग की ट्रांसप्लांटिंग होती है वो 10 to 12 डेज आफ्टर सोइंग में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज, बासमती चावल का जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है। ऑप्शन आर 24 ग्राम, 26 ग्राम, 22 ग्राम, 21 ग्राम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज़ बासमती का पूछा है तो बासमती जो चावल है उसका 21 ग्राम होता है, यानी ऑप्शन डी 21 ग्राम इज़ अ राइट आंसर। अब टेस्ट वेट आपको याद होना चाहिए, टेस्ट वेट क्या होता है। टेस्ट वेट जो होता है 1000 सीड्स का होता है, ठीक है, 1000 सीड्स का जो वेट होता है दैट इज़ नोन एज टेस्ट वेट। ठीक है, 1000 सीड के जो दाने होते हैं उनका टेस्ट वेट बोलेंगे, और अगर 100 सीड्स के जो वज़न होता है उसको हम बोलेंगे सीड इंडेक्स। ये होता है हमारा टेस्ट वेट। ठीक है, 1000 का वजन लेना है तो टेस्ट वेट, 100 बीजों का वजन लेना है तो सीड इंडेक्स, और जो हमारे जो छोटे सीड्स होते हैं उनके लिए हम टेस्ट वेट ही लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और नॉर्मल जैसे अगर राइस का पूछा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बासमती राइस का पूछा है, ठीक है, बासमती राइस का तो 21 ग्राम होता है टेस्ट वेट, नो डाउट। लेकिन अगर नॉर्मल पूछा होता है, सिर्फ राइस का पूछा होगा, यहाँ पे अगर बासमती की नहीं होता, यहाँ पे सिंपल होता टेस्ट वेट ऑफ राइस, सिर्फ राइस का टेस्ट वेट बताओ, तो राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, राइस का ज़्यादा होता है, राइस का होता है 25 ग्राम, 25 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, टेस्ट वेट ऑफ राइस 25 ग्राम, लेकिन टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस का होगा 21 ग्राम। ध्यान रखना है, 21 बासमती राइस का है और 25 नॉर्मल राइस का है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे अब जो बासमती राइस होता है उसमें हम सबको पता है बासमती राइस में बहुत ही अच्छा एरोमा निकलता है। तो एरोमा किसकी वजह से निकलता है, एरोमा इन बासमती राइस इज़ ड्यू टू, ये निकलता है एक इंपॉर्टेंट केमिकल है दैट इज डाई एसिटिल 1-प्रोपोलिन। ये केमिकल याद रखना है, इसी केमिकल की वजह से बहुत ही अच्छी सुगंध आती है राइस में, डाई एसिटिल 1-प्रोपोलिन। इसके बाद कुछ वैरायटीज़ हैं, जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी जो है वो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी जो है बासमती की वो है PRH10। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है क्योंकि पहली हाइब्रिड वैरायटी है बासमती की। इसके अलावा पूसा बासमती 1 है, ये फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी है। ठीक है, तो PRH10 और पूसा बासमती 1 ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हो गई, और एरोमा आ रहा है डाइसिटिल 1-प्रोपोलिन से। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कार्डिनल टेम्परेचर ऑफ राइस इज, राइस का कार्डिनल टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन ए 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। तो ये राइस का जो है कार्डिनल टेम्परेचर होता है। कार्डिनल टेम्परेचर में क्या आता है, मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम। ठीक है, तो आपको याद रखनी होंगी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन है कि मिनिमम कितना होता है, राइस को मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, दैट इज़ मिनिमम टेम्परेचर होता है 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है, कहीं भी मिनिमम भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कार्डिनल पूछे तो कहीं पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस, मिनिमम टेम्परेचर होता है 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम जो हमने पढ़ा दैट इज़ 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम होता है 36 to 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज, ऑप्शन आर 66%,
30%, 80-85%, 45-55%। राइस का हर्लिंग परसेंटेज कितना होता है बताना है, बताइए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 66%। राइस में जो हर्लिंग परसेंटेज होता है वो 66% होता है, दैट इज अराउंड 2/3 ऑफ द पैडी। ठीक है, ध्यान रखना है 66% यानी 2/3 ऑफ द पैडी। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड बाय, तो यहाँ पे बताना है कि वर्ल्ड में पहली हाई ड्वार्फ यील्डिंग वैरायटी कौन, किसने डेवलप करी है राइस की। वैरायटी का नाम नहीं बताना, वैरायटी डेवलप किसने करी वो बताना है। ऑप्शन आर ICAR, IARI, IRRI, CRRI। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी ऑप्शन सी IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इसने डेवलप करी थी पहली वैरायटी। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट में जान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी है, IRRI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर लॉस बैनोस फिलीपींस में है और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1960 में। साल याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बहुत सारी पुरानी बुक्स में जो है यहाँ पे मनीला फिलीपींस दिया होगा, तो मनीला फिलीपींस पहले था, अब नहीं है, करेक्ट कर लो, अपडेट रहो इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा अपने आप को कि अब मनीला नहीं करना है, लॉस बैनोज है। ठीक है, IARRI का जो इंस्टीट्यूट है दैट इज़ इन लॉस बैनोज और ये बना था 1960 में, दैट इज़ ओके। इसके बाद हमने पढ़ा है कि पहली जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी जो है वो IARRI ने डेवलप करी थी, किस साल करी थी, 1966 में करी थी, और उस वैरायटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वैरायटी का नाम है IR8। ये बहुत अच्छी वैरायटी, एकदम तो जादू वाली वैरायटी थी, दैट इज़ वाई इसको मिराकल राइस भी कहा जाता है। ठीक है, एकदम जादूगर वैरायटी थी ये, और ये पहली फोटो इंसेंसिटिव वैरायटी थी राइस की। ध्यान रखना है IR8 जो कि मिराकल राइस है, ये एक तरह की फोटो इंसेंसिटिव वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, SRI इज़ इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट, ये तो अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था SRI के बारे में। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इंडिया में किस स्टेट में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन हैं पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, वेस्ट बंगाल। तो आपको उसका आंसर पहले ही पता चल गया था। ठीक है, तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर, इंडिया में सबसे पहले तमिलनाडु में ही SRI मेथड स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रूट ऑफ राइस इज कॉल्ड, राइस के फ्रूट्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बोटानिकली इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर एक्नी, ग्रेन, सीरियल, कैरियोप्सिस। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैरियोप्सिस। ठीक है, जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं उनके जो फ्रूट्स होते हैं दे आर ड्राई एंड दे आर नोन एज कैरियोप्सिस। आप देख सकते हैं कैरियोप्सिस जो सीड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, उसमें ये इसका पूरा डायग्राम है, आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो याद रखना है कि राइस के जो फ्रूट्स होते हैं दे आर बोटानिकली नोन एज कैरियोप्सिस। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जिनमें जैसे राइस वीट जो होते हैं दे आर ड्राई, तो इनको हम कैरियोप्सिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन राइस, राइस में सबसे ज़्यादा कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, यूरिया, DAP। तो कौन सा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर राइस में यूज़ हो रहा है आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ अमोनियम सल्फेट। सबसे ज़्यादा जो राइस में यूज़ होता है वो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। राइस यूज़ अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, हम सबको पता है राइस जो होता है नाइट्रोजन किस फॉर्म में यूज़ करता है, अमोनिकल फॉर्म में यानी NH4 फॉर्म में यूज़ करता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो यूज़ हो रहा है राइस में उसका नाम है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट यानी NH4 होल ट्वाइस SO4 इसका फॉर्मूला है। अब अमोनियम सल्फेट में कितना नाइट्रोजन है और कितना सल्फर है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में 20.5% नाइट्रोजन होता है और 24.5% सल्फर होता है। याद रखना है सल्फर ज़्यादा है। ठीक है, नाइट्रोजन का लेवल थोड़ा कम है, 20.5 नाइट्रोजन है और 24.5 सल्फर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर राइस में कौन सा यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अमोनियम सल्फेट। अब कहीं पे क्वेश्चन बन सकता है कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना होता है, राइट आंसर इज 20.5 और सल्फर कितना होता है 24.5। क्वेश्चन नंबर 17, वाइट आई ऑफ राइस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कमी के कारण राइस में वाइट आई डिसऑर्डर हो जाता है। ऑप्शंस आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन।
एंड हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज आयरन. ठीक है, आयरन की कमी की वजह से राइस में क्या होती है, वाइट आई डिसऑर्डर जो है डेवलप हो जाता है. इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं. एक वेराइटी है फाल्गुना वेराइटी, ये जो है टॉलरेंट है आयरन टॉक्सिसिटी से. अब राइस में दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, एक होती है आयरन की डेफिशिएंसी, एक होती है आयरन की टॉक्सिसिटी. ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो वाइट आई डिसऑर्डर हो जाता है. ठीक है, लेकिन अगर आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो उस केस में हमको एक वैरायटी जो टॉलरेंट है वो प्रेफर करनी चाहिए, दैट इज़ फाल्गुना. फाल्गुना बहुत ही फेमस वैरायटी है राइस की, चावल की, जो कि आयरन टॉक्सिसिटी के लिए टॉलरेंट शो करती है. क्वेश्चन नंबर 18, किलर डिसीज ऑफ राइस इज़, तो कौन सी बीमारी है राइस में जो किलर डिसीज के नाम से फेमस है. ऑप्शन ए बैक्टीरियल ब्लाइट, बी टुंगरू वायरस, सी ग्राम लीफ हॉपर, बोथ ए एंड बी. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ज़रा भी दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है राइस की किलर डिसीज़. ऑप्शन सी कह रहा है ग्राम लीफ हॉपर, तो यह कोई डिसीज़ नहीं है, ये तो एक पेस्ट हो गया, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन सी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया है. ठीक है, तो अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं, तो फटाफट बताओ कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा. किलर डिसीज़ किसको कहा गया है, यहाँ पे राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी बैक्टीरियल ब्लाइट ये भी किलर डिसीज़ है, और ऑप्शन बी यानी टुंगरू वायरस. ये दोनों बीमारी जो है बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है राइस की, जिसको हम कहते हैं किलर डिसीज़. तो राइस में ध्यान रखना, राइस की दो इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं जो किलर डिसीज़ हैं, दैट इज़ बैक्टीरियल ब्लाइट एंड टुंगरू वायरस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एच टू एस कॉज विच डिसीज़ इन राइस क्रॉप. एच टू एस किस तरह की बीमारी कॉज करता है. ऑप्शन ए ब्लाइट, लीव स्पॉट, रूट रॉट, एक्यूची. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंड हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एक्यूची. एच टू एस की कारण क्या होती है, एक्यूची डिसीज हो जाती है. क्वेश्चन 20, हाइस्ट नाइट्रोजन लॉसेज इन राइस फील्ड बाय. आप सबको पता है हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जब अप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में बहुत सारे लॉसेज होते हैं. ठीक है, लीचिंग लॉस, डीनाइट्रिफिकेशन लॉस, ठीक है, पॉपुलेशन से भी कुछ लॉस होता है. तो कौन सा लॉस जो होता है सबसे ज़्यादा हाइस्ट माना गया है राइस में, यानी राइस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है किस फॉर्म में लॉस हो जाता है. ऑप्शन आर लीचिंग, रन ऑफ, पॉपुलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कमेंट करें क्या होगा इसका राइट आंसर. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ डीनाइट्रिफिकेशन. राइस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लॉसेस जो होते हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू होते हैं. डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है वो रिड्यूस होते होते जो नाइट्रोजन गैस होती है N2 उसमें रिड्यूस हो जाती है. आप इस चार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, ये हमारा नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट में 3 आता है और नाइट्राइट बनता है, उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाती है, फिर इसका ऐसे ऐसे होते होते लास्ट में हमारी N2 गैस जो होती है नाइट्रोजन गैस की एटमॉस्फेयर में चली जाती है. इस तरह का होता है डीनाइट्रिफिकेशन लॉस. क्वेश्चन 21, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ राइस ग्रेन बिफोर मिलिंग इज टर्म्ड एज. तो ये प्रोसेस क्या होता है जब हम राइस में हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट देते हैं बिफोर मिलिंग, उसको क्या कहा जाता है. ऑप्शन ए बॉइलिंग, पारबॉइलिंग, वाटर ट्रीटमेंट, नन ऑफ दीज. क्या होगा यहाँ पे कमेंट करो राइट आंसर. हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पारबॉइलिंग. पारबॉइलिंग एक तरह का हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट होता है जो हम राइस में देते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है कि जो राइस का जो न्यूट्रेंट है, न्यूट्रेंट वैल्यू थोड़ी सी मेंटेन रहती है, इंप्रूव हो जाती है. ठीक है, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो पारबॉइलिंग के बारे में. पारबॉइलिंग एक तरह का हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट होता है, याद रखना. और इसमें हम कौन सा वाइटामिन को रिटेन करते हैं, वाइटामिन B12. याद रखना है, क्वेश्चन अगर बनेगा कि पारबॉइलिंग से कौन सा वाइटामिन रिटेन रहता है, दैट इज़ विटामिन B12 जो है हम रिटेन कर पाते हैं. क्वेश्चन 22, सीड रेट इन डेपोग मेथड फॉर राइस. राइस की नर्सरी के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डेपोग एक तरह का मेथड होता है. ठीक है, तो डेपोग मेथड में सीड रेट कितना रहता है. ऑप्शन ए 3-4 kg पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी 10 kg पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी 15 kg पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन डी 8 kg पर स्क्वायर मीटर. फटाफट राइट आंसर क्या है बताओ. डेपोग मेथड बहुत ही फेमस है राइस में, और यहाँ पे सीड रेट जो हम यूज़ करते हैं कितना होना चाहिए, कितना रहता है. ऑप्शन ए दैट इज़ 3-4 kg पर स्क्वायर मीटर, ये राइट आंसर है. इतना सीड रेट जो है डेपोग मेथड में रहता है. क्वेश्चन 23, एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग प्रिपरेशन इन डेपोग मेथड इज़. अभी हमने डेपोग मेथड का सीड रेट
डिस्कस करा कितना रहता है सीड रेट, 3 से 4 केजी पर स्क्वायर मीटर, और इसकी जो सीडलिंग्स हम तैयार करते हैं उसके लिए कितना एरिया चाहिए। ऑप्शंस आर 40 to 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 to 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, 75 to 85 स्क्वायर सेंटीमीटर, 25 to 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन करेक्ट इट, ये यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर मीटर, सब जगह मीटर स्क्वायर है। ओके तो यहाँ पे बताओ राइट आंसर क्या होगा। डेपोंग मेथड में जो नर्सरी एरिया होता है वो कितना रहता है, ऑप्शन डी दैट इज 25 to 30 मीटर स्क्वायर। ओके 25 से 30 मीटर स्क्वायर जो रहता है नर्सरी एरिया रहता है डेपोंग का। ओके इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम जान लेते हैं। डेपोंग मेथड डेवलप किसने करा था, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस जहाँ पे अभी हमने पढ़ा था IRRI लॉस बैनोस में है, वहीं पे डेपोंग मेथड को डेवलप करा गया है। यहाँ पे जो डेपोंग मेथड के थ्रू सीडलिंग्स होती हैं वो कब रेडी होती हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए, ट्रांसप्लांटिंग टाइम याद रखना है दैट इज़ 11 to 14 डेज आफ्टर सोइंग। इससे पहले हमने एक मेथड डिस्कस करा था SRI मेथड, सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन, उसमें जो ट्रांसप्लांटिंग टाइम था वो कितना था, वो कम था, दैट इज़ अराउंड 8 to 10 डेज समथिंग, ठीक है, 8 to 10 डेज आफ्टर सोइंग। और जो डेपोंग मेथड होता है उसमें अप टू 14 डेज आफ्टर सोइंग। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्टिमम सॉइल pH रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस, राइस का कल्टीवेशन करने के लिए सॉइल pH कितना रहना चाहिए। ऑप्शन ए 7 to 8, ऑप्शन बी 6 to 7, ऑप्शन सी 3 to 4, ऑप्शन डी 4 to 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। राइस का जो कल्टीवेशन जनरली हम करते हैं, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, राइस का कल्टीवेशन हम जनरली एसिडिक सॉइल में करते हैं, ठीक है, एसिडिक से सब समझ गए होंगे कि तो ऑप्शन ए जो है 7 to 8 की तो बेस वाला हो गया, एल्कलीन कंडीशन हो गई, तो यहाँ पे तो कल्टीवेशन होगा नहीं। फिर बी ऑप्शन है 6 to 7, ये भी थोड़ा एसिडिक नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं 3 to 4, 4 to 6। यहाँ पे बताओ फटाफट कि क्या होना चाहिए राइट आंसर, किस pH में हम राइस का कल्टीवेशन ईजिली कर सकते हैं। ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी दैट इज़ 4 to 6, याद रखना, रट लो इसको अच्छे से, किस pH में हम राइस कल्टीवेशन करते हैं दैट इज़ 4 to 6। क्वेश्चन 25, टुंगरू वायरस इन राइस ट्रांसमिटेड बाय, तो टुंगरू वायरस अभी हमने देखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है राइस की, और टुंगरू वायरल क्योंकि वायरस डिसीज़ है, वायरस डिसीज़ के लिए ट्रांसमिशन के लिए कोई एजेंसी चाहिए होती है, और जनरली इंसेक्ट्स ही हमारे क्या करते हैं ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, तो ये सारे इंसेक्ट्स के नाम है यहाँ पे, आप बताओ कौन सा इंसेक्ट जो है टुंगरू वायरस को ट्रांसमिट करता है। ऑप्शन ए स्टैम बोरर, बी ग्रीन लीफ हॉपर, सी लीफ रोलर, डी गंधी बग, ये सारे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं जो कि राइस में लगते हैं, तो इनमें से कौन सा इंसेक्ट है जो टुंगरू वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी दैट इज़ ग्रीन लीफ हॉपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रीन लीफ हॉपर जो है टुंगरू वायरस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं टुंगरू वायरस के बारे में। द डिसीज़ कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद द राइस टुंगरू बेसिलीफॉर्म वायरस एंड राइस टुंगरू स्फेरिकल वायरस। अभी जो टुंगरू वायरल डिसीज़ है दो वायरस यहाँ पे रोल प्ले करते हैं अपना, ठीक है, दो वायरस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे राइस के, दैट इज़ राइस टुंगरू बेसिलीफॉर्म वायरस एंड राइस टुंगरू स्फेरिकल वायरस। ये दो वायरस मिलकर टुंगरू वायरस डिसीज़ कॉज करते हैं, और ग्रीन लीफ हॉपर इस बीमारी को और ज़्यादा फैलाने में, ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए दैट इज़ निफोटेटिक्स वेरिसेंस, निफोटेटिक्स वेरिसेंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन लीफ हॉपर। क्वेश्चन 26, गंधी बग अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग विच स्टेज, किस स्टेज में गंधी बग अटैक करता है। ऑप्शन आर जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, मिल्किंग, हार्वेस्टिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गंधी बग किस स्टेज में अटैक करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज़ मिल्किंग। मिल्किंग स्टेज में जब राइस आ जाता है, जब वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, एकदम पक्का नहीं होता है, उस टाइम पे ही गंधी बग अटैक कर देती है। यहाँ पे गंधी बग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। गंधी बग का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, साइंटिफिक नेम, फैमिली और ऑर्डर, ये सब आपको पता होना चाहिए। गंधी बग की जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ लैप्टोकोरिसा ओरोटोरिया, ठीक है, लैप्टोकोरिसा भी याद रखोगे तब भी काम बन जाएगा। फैमिली है LEDD, ऑर्डर है हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा कैसे पहचाने, क्योंकि बग है तो हेमिप्टेरा ही ऑर्डर याद रखना है। क्वेश्चन 27, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, ऑप्शन ए कटक उड़ीसा, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी बिहार।
कहाँ पर है ये नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ लोकेटेड है? इंस्टीट्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखना, ठीक है? वेल, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कटक उड़ीसा, ठीक है? अभी हमने IRRI डिस्कस करा था, दैट इज़ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लॉस बैनोस फिलीपींस में है, ठीक है? याद रखना, इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी याद है, 1960 में बना था। और ये नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, हमारे नेशनल का मतलब इंडिया में ही है, ठीक है? तो कटक उड़ीसा में है ये। क्वेश्चन 28, विच इंडियन स्टेट नोन एज बाउल ऑफ राइस, किस राज्य को हमारे भारत में बाउल ऑफ राइस कहा गया है, यानी चावल का कटोरा बाउल ऑफ राइस कहा गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है, करेक्ट है वो भी, लेकिन साथ में छत्तीसगढ़ भी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है? आंध्र प्रदेश को भी बाउल ऑफ राइस कहा गया है और छत्तीसगढ़ को भी बाउल ऑफ राइस कहा गया है, ये दोनों आंसर यहाँ पे राइट हैं, दैट इज़ वाई ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। याद रखना, दो स्टेट हैं इंडिया में जिनको बाउल ऑफ राइस कहा गया, आंध्र प्रदेश एंड अदर इज छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 29, विच राइस वेराइटी नोन एज मिरेकल राइस इन इंडिया, ये भी अभी हमने पीछे डिस्कस करा था, ठीक है? वो वेराइटी जो है IRRI ने डेवलप करी थी वो वेराइटी, ठीक है? तो अभी हमने पीछे डिस्कस करा, तो अब तो आप आंसर कर ही दोगे इसका, सिंपल है। ऑप्शन हैं जगन्नाथ, जया, IR8, नन। तो नन तो होगा नहीं, तीन ऑप्शंस हैं और आपको राइट आंसर पता ही है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है IR8 ये राइट आंसर। IR8 ही वो वैरायटी जिसको मिराकल राइस कहा गया है, जो कि IRRI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप करी थी। किस साल डेवलप करी थी? 1966 में इस वैरायटी को डेवलप करा था, ठीक है? जो IRRI खुद कब बना था, इसका ईयर था फॉर्मेशन है 1960, ठीक है? 1960 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और 1966 में इसने वैरायटी डेवलप करी थी। क्वेश्चन 30, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ओराइजिन इन राइस, ओराइजिन का परसेंटेज कितना होता है राइस में? ऑप्शन आर 12%, 15-17%, 6-7%, 1-4%। अब कुछ लोगों को तो ओराइजिन क्या है यही नहीं पता होगा, तो आई विल टेल यू, ओराइजिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, ठीक है? हमारे सीरियल्स में जो प्रोटीन है जनरली कम ही होता है पल्सेस के मुकाबले, लेकिन जो प्रोटीन होता है उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे राइस का प्रोटीन है ओराइजिन, और वैसे वीट जो होता है गेहूँ, गेहूँ के जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं ग्लूटीन, मक्के में जो होता है मेज में होता है उसको बोलते हैं जीन, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको याद रखना है प्रोटीन से। तो वेल, अभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि राइस में ओराइजिन यानी प्रोटीन परसेंट कितना होता है, बहुत कम होता है वैसे तो ऑप्शन दो फटाफट, ऑप्शन बी तो है 15-17%, इतना ज़्यादा तो वो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? कम ही होता है, तो कम में आप सोच रहे 1-4%, इतना कम भी नहीं होता है, सोचो क्या होगा इसका राइट आंसर। वेल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 6-7%, ये याद रखना है। राइस में जो ओराइजिन होता है, दैट इज़ ओराइजिन क्या है, इट नथिंग बट इट इज़ अ प्रोटीन, ठीक है? राइस में जो प्रोटीन होता है उसको ही ओराइजिन कहा गया है, और वो होता है 6-7%, ठीक है? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फर्स्ट ड्वार्फ राइस वैरायटी डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इन ताइवान ड्यूरिंग 1964-65। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली ड्वार्फ वैरायटी, ठीक है, सबसे पहली राइस की वैरायटी जो डेवलप हुई थी ताइवान में 1964-65 के बीच में, उस वैरायटी का नाम क्या है, नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए IR8, TN141, NORIN10, TN1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना एलिमिनेशन वाला मेथड, यानी कौन कौन से ऑप्शन हमारे गलत हैं। देखो, IR8 ये वैरायटी ताइवान में डेवलप हुई है, नहीं, ये वैरायटी डेवलप हुई है फिलीपींस में, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब आप सोचोगे NORIN10, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है राइस के हो तो आपको पता होगा राइस में NORIN10 का तो कोई रोल ही नहीं है। ये जो NORIN10 है ये किस क्रॉप में यूज़ होता है, गेहूं में होता है, वीट में यूज़ होता है, तो यहाँ पे तो ये आंसर, ये ऑप्शन कैंसिल ही हो गया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, TN141 और TN1, इन दोनों में से फटाफट बताओ कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ TN1, ये वो वैरायटी है जो ताइवान में सबसे पहले डेवलप हुई थी, ठीक है? फिर बाद में इसी का हमने TN1 और TN141 का क्रॉस करके जया वैरायटी डेवलप करी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है TN1, ओके, ये आंसर जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन 32, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ राइस
राइस की जड़ों में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है? ऑप्शंस आर एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम, नॉस्टॉक, नन। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एजोस्पाइरिलम। ओके, एजोस्पाइरिलम जो कि राइस के रूट्स में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन 33, ग्रासी स्टंट डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय। तो ग्रासी स्टंट बेसिकली वायरल डिसीज़ है, ठीक है, वायरल डिसीज़ है तभी इसको ट्रांसमिटिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो ग्रासी स्टंट वायरल डिसीज़ होती है वो उसको ट्रांसमिट कौन करता है? ऑफकोर्स कोई इंसेक्ट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ग्रीन लीफ हॉपर, वाइट फ्लाई, ब्राउन प्लांट हॉपर, नन। तो ग्रासी स्टंट डिसीज़ जो है वो कौन ट्रांसमिट करता है? ऑप्शंस आपने देख लिए हैं, राइट आंसर क्या होगा ट्राई करो, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी इससे पीछे हमने टुंगरू वायरस डिस्कस कर रहा था, टुंगरू वायरस को ट्रांसमिट कौन करता है? ग्रीन लीफ हॉपर। तो यहाँ पे ग्रीन लीफ हॉपर तो उसका राइट आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, बीएचपी, ठीक है। बीएचपी कहते हैं इसको, ब्राउन प्लांट हॉपर। तो ब्राउन प्लांट हॉपर क्या करता है? ग्रासी स्टंट वायरल डिसीज को ट्रांसमिट करने का काम करता है। क्वेश्चन 34, विच गैस इमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड। राइस के फील्ड से कौन सी गैस इमिट होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस हैं NO2, CO, CH4, SO2। तो कुछ गैसेस के नेम्स हैं ये, बताइए फटाफट से कि कौन सी गैस है जो राइस के फील्ड से इमिट होती है। राइट आंसर यहाँ पे होगा, आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन सी, दैट इज़ CH4। CH4 का मतलब मीथेन, ठीक है, याद रखना। मीथेन वो गैस है जो राइस के फील्ड से इमिट होती है। क्वेश्चन 35, वीड्स प्रॉब्लम हाई इन, कौन सी कंडीशन में वीड्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हाई होती है? DSR, SRI, बोथ या नन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल। नन तो यहाँ पे होगा नहीं, तो आप सोचिए तीन ऑप्शन है, DSR होगा, SRI होगा या फिर दोनों। तो देखो SRI मेथड में तो बिल्कुल वीड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हाई नहीं होती है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में वीड्स प्रॉब्लम नहीं होती हाई, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, दोनों तो होंगे नहीं। राइट आंसर है DSR, ठीक है। DSR का मतलब होता है डायरेक्ट सीडेड राइस, जब हम राइस की डायरेक्ट सोइंग करते हैं, डायरेक्ट सोन राइस जो होता है, दैट इज़ उस कंडीशन में जो वीड्स की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट इज़ वाई हम प्रेफर करते हैं ट्रांसप्लांटिंग करना। क्वेश्चन 36, उफरा डिसीज़ इन राइस इज़ कॉज्ड बाय। राइस की बहुत ही फेमस डिसीज़ है उफरा डिसीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कौन कॉज करता है? कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। ऑप्शंस हैं राइजोक्टोनिया सुलैनी, पारोक्लेरिया ओराइजे, ज़ैंथोमोनास ओराइजे, डिटिलेनकस एंगुस्टस। तो यहाँ पे सारे साइंटिफिक नेम दे रखे हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म के, तो मे बी आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जो उफरा डिसीज़ है वो एक नीमाटोड की डिसीज़ है, ठीक है, नीमाटोड के थ्रू ये होती है। तो आप ऑप्शन गैस कर सकते हो यहाँ पे कौन सा नीमाटोड होगा। देखो राइजोक्टोनिया सुलैनी राइजोक्टोनिया फंगस होती है, पायरोक्लेरिया फंगस है, ज़ैंथोमोनास क्या होता है, बैक्टीरिया है ज़ैंथोमोनास, और ऑप्शन डी जो है डिटिलेनकस एंगुस्टस, यही हमारा नीमाटोड है, ठीक है। तो याद रखना उफरा डिसीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है राइस की, जो कि इस नीमाटोड के थ्रू होती है, और उस नीमाटोड का साइंटिफिक नेम है, आपको याद रखना है, नीमाटोड का साइंटिफिक नेम है डिटिलेनकस एंगुस्टस। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज रिपोर्टेड बाय वाई एल नेने इन राइस एट पंतनगर इन 1966। ऑप्शंस ब्लास्ट, खैरा, एक्योची, नन। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि वाई एल नेने जो थे, ठीक है, उन्होंने पंतनगर आप सबको पता है जहाँ पे फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो है पंतनगर में सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है पंतनगर से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि वाई एल नैनी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने राइस में एक डिसीज़ को डिस्कवर करा था 1966 में, वो डिसीज़ कौन सी है वो बताना है आपको। एंड हियर राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ खैरा। खैरा डिसीज़ जो कि बहुत ही फेमस डिसीज़ है, जो कि एक तरह की डिसीज़ नहीं है कह सकते हैं, बस एक तरह की जिंक डेफिशिएंसी के कारण हो जाती है, ठीक है, याद रखना इसका रीज़न क्या है, खैरा डिसीज़ का जिंक डेफिशिएंसी, जिंक की कमी की वजह से खैरा डिसीज़ होती है, और इसकी डिस्कवरी वाई एल नैने ने पंतनगर में 1966 में करी थी। क्वेश्चन 38, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस इज डैश MM। तो कितना मिलीमीटर पानी जो है राइस को चाहिए, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं। ऑप्शन हैं 900 to 2500,
700 to 600, 450 to 1000, 600 to 6500. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन ए, 900 to 2500 मिलीमीटर. इतना पानी जो है राइस में लग जाता है, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है राइस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना, 900 to 2500. क्वेश्चन 39, एजोटोबैक्टर इज डैश नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. एजोटोबैक्टर किस टाइप का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन आर सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक, एसोसिएटेड, फ्री लिविंग. एजोटोबैक्टर किस टाइप का बैक्टीरिया है? राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, नॉन सिम्बायोटिक. एजोटोबैक्टर जो है वो नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में है, ठीक है, याद रखना. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइस में, ठीक है, एक तरह का बायो फर्टिलाइजर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं हम, ठीक है, और ये एक तरह का नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है. क्वेश्चन 40, फादर ऑफ सुपर राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर क्वेश्चन है, ठीक है. जैसे क्वेश्चन में पूछा है सुपर राइस, तो वैसे ही क्वेश्चन भी सुपर क्वालिटी का क्वेश्चन है. सुपर राइस के फादर कौन है? ऑप्शंस आर गुरुदेव सिंह कुश, विलियम किरबे, ईजे बटलर, युआंग लॉन्गपिंग. फटाफट से कमेंट करो इसका आंसर क्या होना चाहिए. यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज गुरुदेव सिंह कुश, या फिर इसको शॉर्ट में GS कुश भी आ सकता है. सुपर राइस के फादर हैं GS कुश, बिकॉज GS कुश जो है गुरुदेव सिंह कुश, इन्होंने ही सुपर राइस का कंसेप्ट जो है डेवलप करा था, दैट इज़ वाई ही इज़ द फादर ऑफ सुपर राइस. बाकी जो है ये भी किसी ना किसी के फादर हैं, जैसे विलियम किरबे जो है इंटरमोलॉजी में पढ़ते हैं हम, ठीक, इंटरमोलॉजी में किसी से इंटरमोलॉजी के फादर आई थिंक, ईजे बटलर प्लांट पैथोलॉजी हो गए, युआंग लॉन्गपिन ये भी राइस के फादर हैं, इट इज़ ही इज़ द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो भी यहाँ पे देख लो, सारे फादर्स को एक जगह मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, आपके लिए इजी हो जाए ताकि लर्न करना, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि फादर ऑफ सुपर राइस कौन है, सुपर राइस के फादर है गुरुदेव सिंह कुश. सेकंड आपको याद रखना है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस. अब देखो हाइब्रिड राइस के केस में सबसे आगे है चाइना, सबसे पहला हाइब्रिड राइस जो है चाइना ने डेवलप करा था, तो उसका कोई फादर जो होगा वो चाइना का ही होगा, ठीक है. तो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कौन है? युआंग लॉन्गपिंग. देखो चाइना टाइप का नाम है, चाइनीज टाइप का नाम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, युआंग लॉन्गपिंग याद रखना. लेकिन वो तो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस है. लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इंडिया, हमारे भारत में कौन है हाइब्रिड राइस का फादर, एंड राइट आंसर इज प्रोफेसर E.A. सिद्दीक. E.A. सिद्दीक जो है वो इंडिया के फादर हैं, ठीक है, इंडियन फादर ऑफ हाइब्रिड राइस हैं. इसके बाद फादर ऑफ गोल्डन राइस, आपको पता है गोल्डन राइस क्या होता है, सबको पता है गोल्डन राइस जो होता है वो किसमें रिच होता है, विटामिन ए में रिच होता है, सबको पता है विटामिन ए में गोल्डन राइस रिच होता है. और उसका फादर कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ गोल्डन राइस इज इंगो पोट्राइकस, ठीक है. तो होप सो आपको सारे के सारे जितने फादर हैं, कितने हो गए टोटल, 4 हो गए, ठीक है, एक सुपर राइस हो गया, हाइब्रिड राइस, उसके बाद हाइब्रिड राइस इन इंडिया, उसके बाद गोल्डन राइस, ये चारों लिस्ट आपको अच्छे से याद करनी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है. अगर यहाँ पे तो सुपर राइस का पूछा गया है तो आपसे कहीं पे हाइब्रिड राइस का ही पूछ सकते हैं, हाइब्रिड राइस इन इंडिया पूछ सकते हैं, या फिर गोल्डन राइस का फादर पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ब्लैक राइस और पर्पल राइस विच इज रिच इन आयरन, वाइटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इज मेनली ग्रोन इन डैश स्टेट. तो जो ब्लैक राइस होता है या पर्पल राइस होता है जिस चूँकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, वो कौन से इंडियन स्टेट में ग्रो होता है, आपको स्टेट का नाम बताना है. ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, गोवा, मणिपुर. बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा इसको अच्छे से, सुंडा की बुक में अच्छे से दे रखा है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, तो फटाफट ट्राई करो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर. और यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज़ मणिपुर. तो जो मणिपुर है और जो म्यांमार वाला बॉर्डर वाला एरिया होता है साउथ ईस्ट का, वहाँ पे ही जो स्टेट है आसपास की, वहीं पे ब्लैक राइस का प्रोडक्शन मेनली होता है, बाकी जगह नॉर्मल राइस ग्रो होता है, ठीक है. तो यहाँ पे राइट आंसर है मणिपुर. मणिपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे ब्लैक राइस ग्रो होता है, या ब्लैक या पर्पल राइस ग्रो होता है. क्वेश्चन 42, हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ राइस, राइस का हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना है? ऑप्शन ए 24%, ऑप्शन सी 24%, 40%, 60% एंड 100%. क्या होगा राइस का हार्वेस्ट इंडेक्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 100% तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है. क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़
40%, राइस का जो हार्वेस्ट इंडेक्स निकल कर आता है वो होता है 40%। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43, विच इज नोन एज ब्लू राइस। ब्लू राइस किसको कहा जाता है? ऑप्शंस ए इंडिका, इंडिका राइस, बी जापानिका राइस, सी जवानिका राइस, डी ग्लैबरिमा। तो किसको ब्लू राइस कहा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी जापानिका। ठीक है, तीन वैराइटीज होती है राइस की, तीन तरह के राइस होते हैं, इंडिका राइस, जापानिका राइस और जवानिका राइस। तो जो जापानिका होता है, जो जापान में ग्रो होता है बेसिकली, जापानिका जो होता है वो कहाँ ग्रो होता है? ये ग्रो होता है जापान में। ठीक है, जापान में ग्रो होता है और इसको नीला चावल यानी ब्लू राइस कहा जाता है। क्वेश्चन 44, ड्यूरिंग ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज इन राइस अप टू विच डेप्थ वाटर इज मेंटेन्ड इन द फील्ड। यानी जब धान में ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज आ जाती है, जब उसमें बाली लगने लगती है, ग्रेन आने लगते हैं, तो उस टाइम पे फील्ड में कितनी डेप्थ तक पानी रखना चाहिए? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर, डी 1.5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक की जो फील्ड है उसमें पानी डेप्थ, उतनी डेप्थ तक पानी फिल रहना चाहिए। क्वेश्चन 45, द राइस विच ग्रोन इन टेम्परेट इन सब ट्रॉपिकल रीजन हैविंग ग्रेन शेप ओवल टू राउंड एंड ऑल्सो कॉल्ड ब्लू राइस। ओके, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कौन सा राइस है जो कि टेम्परेट सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होता है, उसका जो शेप है इंपॉर्टेंट यहाँ पे शेप है, देखो कैसा शेप है, ओवल टू राउंड, गोल चावल। ठीक है, चावल कैसा है, उसका शेप जो है गोल, ओवल, जैसे अंडा होता है, अंडे या गोल मटोल शेप का है, और उसको ब्लू राइस भी कहा जाता है। तो ब्लू राइस किसको कहा जाता है, ये तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया आपको, और अब तो आपको पता चल गया होगा राइट आंसर। तो वैली यहाँ पे ऑप्शन है इंडिका, जापानिका, जवानिका, नन, एंड यू ऑल नो राइट आंसर यहाँ पे होगा जापानिका, दैट इज ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, जो कि जापान में ग्रो होता है। इसका शेप याद रखना राउंड टू ओवल शेप होता है, टेम्परेट सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होता है, ब्लू राइस कहा जाता है। क्वेश्चन 46, मलिंगा एंड मैसूरी वैरायटी ऑफ राइस वर इवॉल्व्ड बाय। तो मलिंगा मैसूरी बहुत ही फेमस वैरायटी है राइस की, जो कि किसने डेवलप करी है, कहाँ से इवॉल्व हुई है? ऑप्शन आर ICAR, कटक, IRRI, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज कटक, उड़ीसा। तो जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं मलिंगा मैसूरी, ये किसने इवॉल्व करी है? कटक उड़ीसा ने इवॉल्व करी है। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से ये वैरायटी आई है। क्वेश्चन 47, राइस इज विच टाइप ऑफ प्लांट। राइस किस तरह का प्लांट है? ऑप्शन आर शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, नन ऑफ दीज। एंड हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज शॉर्ट डे प्लांट। यू ऑल नो राइस जस्ट जो है एक तरह का खरीफ सीजन का प्लांट है, खरीफ सीजन का क्रॉप है, खरीफ सीजन के जो क्रॉप्स होते हैं जल्दी दे आर शॉर्ट डे। क्वेश्चन 48, पैरा यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू। तो किससे रिलेट करते हैं पैरा यूटेरा? ऑप्शन आर वीट, राइस, बाले एंड बाजरा। एंड हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइस। राइस में जो पैरा यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम होती है, उस दौरान क्या करते हैं, राइस की जो स्टैंडिंग क्रॉप होती है उसी में हम जो पल्स क्रॉप्स होते हैं, दालें होती हैं, ठीक है, उनको ग्रो करने के लिए उनके सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज पैरा यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम। क्वेश्चन 49, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन राइस इज। राइस में कौन सा जीन है जो कि ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन आर N10, बी TSNite, सी Origin-10, डी DG-Vogen। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज DG-Vogen। DG-Vogen जो है ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है राइस में। ऐसे ही पूछा जाता है वीट का, वीट में जो होता है वो होता है Norrin-10। ठीक है, गेहूं की अगर बात करते हैं तो गेहूं में कौन सा जीन होता है जो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज Norrin-10। और अगर चावल में पूछा जाता है राइस में, तो दैट इज DG-Vogen। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंट्री कॉल्ड वर्ल्ड राइस बाउल। तो
एक हमने पढ़ा था इंडियन राइस बॉल किसको कहा जाता है, ठीक है, भारत का, भारत में चावल का कटोरा किसको कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा वर्ल्ड में, दुनिया में किसको कहा जाता है। ऑप्शंस आर थाईलैंड, वियतनाम, भूटान, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे भी देख लो, जैसे हमारे इंडिया में दो राइस के कटोरे थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, वैसे ही वर्ल्ड में भी जो राइस का बाउल है वो भी दो हैं, दैट इज थाईलैंड एंड वियतनाम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी थाईलैंड और वियतनाम दोनों ही क्या हैं, वर्ल्ड राइस बाउल हैं। तो होप सो ये आपको एमसीक्यू की जो सीरीज़ थी वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।